हेलो बच्चों, कैसे हो आप? एओडी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा बोर्ड लेवल के लिए आपके इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें कि मैक्सिमम और मिनिमा, मैक्सिमम और मिनिमम वो पोर्शन है बेटा जहां पे आप इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हो और कोशिश करते हो कि आपकी इंक्रीजिंग जो फंक्शन आपने पढ़ा है वो भी रिलेट कर जाए इससे। तो अगर हम मैक्सिमम और मिनिमा को पढ़ने जाएं तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इसका ग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्योंकि अगर बेसिकली किसी भी टॉपिक का अगर आप ग्राफिकली कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो दैट मीन्स आप उसके बारे में डीप नॉलेज कवर कर रहे हो, उसका बेसिक पढ़ रहे हो। जहां आपका बेसिक कंप्लीट है, चीजें आपकी कंप्लीट हैं, वहां आपको सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो अभी हम मैक्सिमा एंड मिनिमा का एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि ग्राफिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका, कि भाई अगर मैं इसकी बात करूं इस तरह के ग्राफ की, ये बेटा ठीक है एक ग्राफ है। मैं यहां पे बात करता हूं दिस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू ए पे बात करूंगा मैं, एक्स इज इक्वल टू बी पे बात करूंगा मैं, एक्स इज इक्वल टू सी पे बात करूंगा मैं, एक्स इज इक्वल टू डी पे बात करूंगा मैं, एक्स इज इक्वल टू ई पे बात करूंगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं एक्स इज इक्वल टू ए पे बात करूं, एक्स इज इक्वल टू ए पे बात करूं, तो बेटा ये एक ग्राफ है, ये इस तरह का, तो इसका जो दोनों नेबर होंगे, नेबर मतलब एलएचएल एंड आरएचएल, जो लोकेलिटी होगी इसकी एक्स इज इक्वल टू ए पे, वो इस तरह से नहीं होगी क्या? ठीक यानी मैक्सिमम पॉइंट जो होगा वो ए होगा, जो ये वाला पॉइंट होगा ए प्लस एच होगा, और जो ये वाला पॉइंट होगा ए माइनस एच होगा कि नहीं होगा? अगर कोई भी पॉइंट पे फंक्शन अपनी लोकेलिटी से बड़ा है, क्या कह रहा हूं मैं, समझिए इस तरह कि कोई भी फंक्शन अपने, मान लो कि आपके दो पड़ोसी हैं लेफ्ट एंड राइट में, तो उन दोनों में अगर आप बड़े हो, वो दोनों आपसे छोटे हैं, तो आप उस एरिया लोकल में मैक्सिमम हो गए कि नहीं हो गए? यानी आप कह सकते हो कि आप उस उन उनके एरिया पे, उस पॉइंट पे आप मैक्सिमम हो। यानी क्या मतलब भाई, कि जो ये वाला पॉइंट है जिसे बोल सकते हैं लोकल मैक्सिमम। यानी मैं लोकल मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट समझू कि एट अ पॉइंट पे फंक्शन ग्रेटर होना चाहिए एलएचएल से, एट अ फंक्शन पे फंक्शन बड़ा होना चाहिए आरएचएल से। तो मैं कह सकता हूं यहां पे फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी फॉर मैक्सिमा, ठीक क्या हो गया फॉर मैक्सिमा, बात समझ में आ गई। अगर मैं मिनिमा की बात करूं, यहां पे देखिए, अगर मिनिमम वो पॉइंट है कि जो ये एट अ पॉइंट होगा इनके दो लोकेलिटी से छोटा होगा कि नहीं होगा, यानी ये कुछ इस तरह से डिफाइन कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा,
इस तरह से, ये बी पे हो गया, एक्स इज इक्वल टू बी पे हो गया, ये बी प्लस एच हो गया, ये बी माइनस एच हो गया। इन दैट केस कहने का मतलब ये हो गया कि कोई भी फंक्शन अगर एट अ फंक्शन पे छोटा है अपने लोकेलिटी से, दोनों लोकेलिटी से फंक्शन क्या है छोटा है, तो मैं उसको कहूंगा फंक्शन कैसा है, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। यहां पे बात करूंगा मैं तो यहां पे भी सेम है, तो यानी ये फंक्शन कैसा है, लोकल मैक्सिमा। अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि एट अ फंक्शन से फंक्शन ये है, लेकिन इसका आरएचएल जस्ट इधर होगा, एलएचएल इधर होगा, यानी आप देख रहे हो इसके दो लोकेलिटी इस एट अ फंक्शन से बड़े हैं, तो इन दैट केस यहां पे कैसा फंक्शन, लोकल मिनिमा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, क्या आ गई बेटा, ये बात आपको समझ में आ गई है कि गुरुजी कि ये फंक्शन लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा कहां पे होगा, ये वाला पॉइंट बता। लेकिन एक बात यहां पे देखिए, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, नहीं है। क्या ये फंक्शन डिफेंसिबल है, नहीं है। जो फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है, नॉट कंटिन्यूअस और नॉट डिफरेंशियबल, वो फंक्शन भी क्या आपका मैक्सिमा मिनिमा शो करता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, भाई इसका लोकेलिटी एलएच आरएचएल जो है यहां पे है और आरएचएल यहां पे, यानी ये कुछ इस तरह से है, ये कैसा है, इस तरह से है, तो बेटा ना ये फंक्शन क्या है, नॉट मैक्सिमा एंड नॉट मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये वाला पॉइंट है। यानी एक बात समझ गया, कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी जो पर्टिकुलर इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, और कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन जो पर्टिकुलर क्या है, डिक्रीजिंग है, उस फंक्शन पे हम मैक्सिमा और मिनिमा नहीं फाइंड कर सकते। क्या नहीं कर सकते, मैक्सिमा और मिनिमा नहीं फाइंड कर सकते। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई, मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, ठीक है। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा, तो हम इसके से पढ़ते हैं सिंगल डेरिवेटिव एंड डबल डेरिवेटिव टेस्ट, कि इसको मैथमेटिकली सॉल्व कैसे किया जाए। भाई ये तो ठीक है, ग्राफ के हमने समझ दिया, लेकिन क्वेश्चन को तो हम मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे ना, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे। तो अगर हम चीजों को पढ़ते हैं अच्छे से पढ़े, तो बातें हमें समझ में आने लगती है कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहां पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है, कहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं आगे इसके सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात करूं, तो देखो जरा ध्यान से, क्या भाई ठीक है बेटा, अगर हम बात करें यहां पे कि इनके फर्स्ट डेरिवेटिव की, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की, तो भाई आपको पता होना चाहिए भाई, सिंपल सी बात, कोई भी मेरे पास एक क्या है, मैक्सिमम फंक्शन है ये है, या कोई भी मेरे पास मिनिमम फंक्शन है
ये है, ठीक है। ये दो आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? मैक्सिमम फंक्शन है। कहां पे? एक्स इज इक्वल टू ए पे। लेकिन अगर मैं यहां पे कहूं, यहां पे भी एक्स इज इक्वल टू बी है, वहां पे फंक्शन कैसा है? मिनिमम फंक्शन है। तो बेटा अगर मैं बात करूं, यहां पे देखो, इस पर्टिकुलर फंक्शन पे स्लोप की बात करो, पर्टिकुलर पॉइंट पे, डिफरेंशियबल फंक्शन के पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं एक स्लोप की बात करूं, तो यहां पे मेरा स्लोप क्या मिल रहा है? dy अपॉन dx इज जीरो, मिला नहीं मिला? dy अपॉन dx इज जीरो। बात समझ में आ गई? क्या नहीं? अगर मैं एक बात और करता हूं कि भाई मेरे पास कोई एक फंक्शन है, इस तरह का फंक्शन है, मेरे पास ये फंक्शन है, ये वाला, ये कोई फंक्शन है, और अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं x इज इक्वल टू सी पे स्लोप की, तो इस पे भी क्या है? जीरो है। यानी एक कंडीशन मेरे पास यहां पे ये आ गई कि कोई भी फंक्शन तभी डिफरेंशिएबल है, नहीं, कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है बेटा, उस पॉइंट पे हम मैक्सिमम मिनिमा तभी कह सकते हैं जब dy अपॉन dx क्या हो? जीरो। dy अपॉन dx क्या हो? जीरो। लेकिन जरूरी नहीं कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू जीरो हो तो वो लोकल मैक्सिमम मिनिमा फंक्शन होगा। भाई ये ग्राफ से हमें पता चला ना, ये मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है, ये दोनों पर्टिकुलर क्या है? लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। बात समझ में आ गई? और अगर मैं इसके टेस्ट की बात करूं कि टेस्ट किस तरह से इसे डिफाइन किया जाता है, तो बेटा सिंपल सी बात, अगर फंक्शन की लाइन पे फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रहा है, तो वो पॉइंट क्या होता है? मैक्सिमा पॉइंट। और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चल रहा है, वो पॉइंट कैसा होता है? मिनिमा पॉइंट। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर मैं तुम्हें यहां से एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊं तो बात समझ में आएगी। ठीक है, तो हमसे कहा गया है कि ये क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, उस केस में कौन सा पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट होगा और कौन सा पॉइंट मिनिमम पॉइंट होगा, और उन मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या होगी, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की वैल्यू क्या होने वाली। तो सबसे पहली बात, हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कितना आएगा, यहां पे आएगा वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, भाई ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा। दूसरी बात करूं, अगर मैं यहां पे एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा, यानी अगर मैं यहां पे, मेरे को पता मेरे पे क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हैं। सिंपल सी बात, तुमसे कहा था फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, तो उस केस में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यानी एक्स की यहां पे दो वैल्यू आ गई, एक माइनस के वन और एक प्लस के वन। अब देखो नंबर लाइन में इसे डिफाइन किया जाए, मेरे पास एक माइनस का वन और एक प्लस का वन, फंक्शन ये है मेरे पास। अब देखो अगर मैं एक्स से नीचे की, माइनस से नीचे, वन से नीचे की वैल्यू रखता हूं, तो मेरे पास क्या मिलेगा? ध्यान से देखिए भाई, इस फंक्शन में आप एक्स से नीचे कोई भी वैल्यू रख दो, नेगेटिव वैल्यू रख रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव में से कोई वैल्यू माइनस करेंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी यहां पे क्या देगा भाई ये? इसके नीचे वैल्यू रख देंगे माइनस का टू, नेगेटिव यहां से नीचे की वैल्यू, तो यहां पे पॉजिटिव,
इनके बीच की वैल्यू रखेंगे तो यहां पे साइन देगा नेगेटिव, और इससे ऊपर की वैल्यू रखेंगे तो यहां पे देगा पॉजिटिव। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू अगर वन होगा माइनस वन होगा तो उस केस में मेरा जो फंक्शन होगा कैसा होगा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा प्लस से माइनस की ओर जा रहा, प्लस से माइनस की ओर जा रहा। दैट मीन्स लोकल मैक्सिमा का ग्राफ अगर देखूंगा तो पहले ऊपर डाउन फिर नीचे। अच्छा यहां पर प्लस से माइनस की ओर और माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। और अगर मैं यहां से देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, कौन सी वैल्यू पे, एक्स इज इक्वल टू प्लस वन पे, तो फंक्शन क्या गया, लोकल मिनिमा, प्लस से माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, ठीक है। तो अगर इनसे इन्होंने कहा लोकल मैक्सिमा वैल्यू बताओ, तो माइनस वन पे फंक्शन की क्या वैल्यू आएगी, माइनस वन इज इक्वल टू माइनस का टू, तो ये लोकल लोकल मैक्सिमा वैल्यू हो गई। और एफ इज इक्वल टू वन रखने पे वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, तो ये हो गया लोकल मिनिमा वैल्यू। आई होप आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आया होगा, ठीक है बेटा, आप करते रहे इस चीज को। बाकी आगे का कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट और रिलेटेड टू क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मैक्सिमम मिनिमा के और क्रिटिकल पॉइंट के, ठीक है। तब तक बच्चों को प्यार दें, बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू।